जय जिनेन्द्र फ्रेंड्स, वेलकम टू बजट स्निपेट्स बाय जैन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फेडरेशन। आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टू वेरी स्मॉल इनोक्यूस प्रोवाइजो इंसर्टेड टू सेक्शन 68 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। दिस प्रोवाइजो सेज वेयर द सम सो क्रेडिटेड कंसिस्ट ऑफ लोन और बोरोइंग और एनी सच अमाउंट बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड, एनी एक्सप्लेनेशन offered by the SSE shall be deemed to be not satisfactory unless A. the person in whose name such credit is recorded in the books of SSE also offers an explanation about the nature and source of such sum so credited, and B. such explanation in the opinion of the assessing officer has been found to be satisfactory। सो इसका अर्थ ये होता है कि अगर किसी भी व्यापारी या करदाता के बही खातों में कोई लोन, सराफी, जमाबंदी, साहूकारी की रकम जमा है, तो उसके बारे में जिस व्यक्ति ने ये रकम आपके पास जमा कराई है, उसका रकम का नेचर और सोर्स, मतलब उस व्यक्ति ने वो रकम कहाँ से लाई है और किस तरीके से कमाई हुई है, वो आपको अपने असेसिंग ऑफिसर को असेसमेंट के दौरान बताना पड़ेगा। ये आपकी जवाबदारी है कि उस व्यक्ति की सोर्स और नेचर आप रिकॉर्ड पे असेसमेंट के दौरान रखें और आपका जो एक्सप्लेनेशन है उससे इनकम टैक्स ऑफिसर संतुष्ट भी होना चाहिए। अगर ऐसा आप नहीं कर पाते हैं तो सेक्शन 68 के प्रोविजन के अनुसार ये उस रकम पर 60% टैक्स, 25% पेनल्टी और अप्लीकेबल इंटरेस्ट वगैरह सभी आपको भरना पड़ेगा। सो आपको आगे के दिनों में बहुत ही सावधानी रखने की ज़रूरत है। ये प्रोविज़न 1 अप्रैल 22 से लागू पड़ जाएगा। धन्यवाद।